अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ये आपको डॉलन्स का माइक्रोवेव कुकिंग जो है उसका रिव्यू दूंगी और इसमें बनाने के तरीके बताऊंगी आपको कि इसमें आप कुकिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये डॉलन्स का न्यू टेक्नोलॉजी है विद इन्वर्टर एंड एयर फ्रायर टेक्नोलॉजी ना माइक्रोवेव, ठीक है। तीनों चीज़ें माइक्रोवेव, इन्वर्टर और आपका अवन आपको इस चीज़ में मिल जाता है, ठीक है। तो अब आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम इंस्टेंट नूडल्स कैसे बना सकते हैं। ये इसके पैनल्स हैं, तो आगे आप लोग वीडियोस अगर फॉलो करेंगे तो मैं आपको और भी रेसिपीज़ बताऊँगी, जिसमें बिल्ट इन रेसिपीज़ भी जो हैं वो भी, और इसमें और रेसिपीज़ कितने टेम्परेचर पर किस तरह से बनाई जा सकती हैं। इसके लिए हमने एक माइक्रोवेव सेफ बोल ले लिया है। इसके अंदर मैंने पानी ले लिया है अंदाजे से, या जितना पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं 400 ml, आप उतना भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका टेस्ट मेकर है। सबसे पहले हम इसके अंदर टेस्ट मेकर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको मिक्स करें, ठीक है। माइक्रोवेव की सेटिंग पर जब होगा, जब माइक्रोवेव करनी होगी कोई भी चीज़, तो हम माइक्रोवेव सेफ बोल ही लेंगे और स्टील वगैरह की कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसको मिक्स करके और स्पून जो है हम बाहर ही रखेंगे और इसको इस तरह से फिर माइक्रोवेव में रखते हैं। ये इसका टच टू ओपन है, यहाँ से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से है, हमने ये अंदर रख दिया। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन माइक्रोवेव। ये पी हाई है, मतलब हाईएस्ट इसका आप कह सकते हैं हाईएस्ट उस लेवल पे गर्म करेगा। उसके बाद आप इसको कंफर्म और स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये लॉक हो गया, माइक्रोवेव होगा। उसके बाद आप अपर वाले जो आपका ये है इसको हम प्रेस करेंगे 1 मिनट, कंफर्म स्टार्ट। ये 1 मिनट में आपको दिखाऊं, 1 मिनट पे ये हीट अप हो जाएगा। अब आफ्टर 1 मिनट देखते हैं, ये जब स्टार्ट होता है तो इस तरह की बीप देता है, इसको हम स्टॉप करते हैं। ये बीप दोनों बंद हो गया इसका। अब हम इसको ओपन करेंगे, टच टू ओपन से, ठीक है। ये हमारा ये पोजीशन है इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहें तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं और चाहें तो हम ऐसे भी अपना टेस्ट मेकर के अंदर ऐड कर सकते हैं। सॉरी, नूडल्स रामेन टेस्ट मेकर तो हमने पहले ही ऐड कर दिया है। दोबारा से माइक्रोवेव फर्स्ट प्रेस करेंगे, माइक्रोवेव ये आ गया इस तरह से। इसको हम कंफर्म और स्टार्ट यहाँ लिखा है सेंटर में प्रेस करेंगे और ये अब हम इससे इसका सेलेक्ट करेंगे टाइम। अब है 2 मिनट्स, 1 2, देन अगेन कंफर्म स्टार्ट और ये 2 मिनट। ये हमारे फिर हम इसको स्टॉप करेंगे, बीप ख़त्म हो जाएगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अब खोल के देखते हैं। देखिए हमारे रामेंस बिल्कुल रेडी हैं, मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो रामेन है ना वो तैयार हो गए। अब आप इसको हॉट सॉस के साथ सर्व कीजिए या ऐसे ही खा लीजिए, चिकन फ्लेवर वट एवर यू लाइक। बिल्कुल फुली कुक्ड हैं ये और इन 3 मिनट्स हम माइक्रोवेव में फाइनली हमने रामेन नूडल्स बना लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।